के साथ भारत के खराब होते संबंध और फिर कोरोना के लिए अमेरिका का चीन को जिम्मेदार ठहराना, इसका असर ये हुआ कि भारत और अमेरिका साथ आ गए और चीन अकेला रह गया। अब अमेरिका ने भारत को अपने मजबूत पार्टनर बना लेने का मन बना लिया है। जिस तरह से भारत चीन से निपट रहा है, उसके बाद अमेरिका ने भारत की मदद करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। अमेरिकी सीनेट में एक बिल पेश किया गया है और अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका अपने पांचवी पीढ़ी के F-22 और F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स भारत को दे सकता है। अभी तक ये फाइटर जेट सिर्फ उन देशों के पास ही है जिनके अमेरिका के साथ घनिष्ठ रिश्ते हैं, जैसे इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया। अब भारत को ये जेट्स मिलने के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के सत्तारूढ़ रिपब्लिकन और विपक्षी डेमोक्रेट के शीर्ष दो सीनेटर्स मार्क वार्नर और जॉन कॉनिन ने भारत के साथ संबंध मजबूत करने, पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान देने और सैनिक क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण 2021 संशोधन विधेयक पेश किया है। इस संशोधन विधेयक में रक्षा मंत्री से अमेरिका और भारत के बीच रक्षा और संबंधित औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान, विकास के अवसरों और कर्मियों के आदान प्रदान पर एक संक्षिप्त जानकारी प्रदान करने को कहा गया है। अगर ये विधेयक सीनेट में पास हो जाता है तो संभावना है कि 6 महीने में भारत को पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स मिल सकेंगे। इन पर सीनेटर कॉनन ने एक अन्य संशोधन में रक्षा मंत्री को कानून पारित होने के 180 दिनों के अंदर भारत को अमेरिका की पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट कार्यक्रम पर जानकारी देने को भी कहा है, क्योंकि भारत खुद भी अपनी पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का विकास कर रहा है। जिन सीनेटर्स ने संशोधन विधेयक पेश किया है उनमें मार्क वार्नर और जॉन कॉनिन शामिल हैं। सीनेटर मार्क वार्नर प्रतिनिधि सभा के खुफिया मामलों की शक्तिशाली समिति के उपाध्यक्ष हैं और सीनेटर जॉन कॉनिन जो कि रिपब्लिकन व्हिप हैं, इन्होंने ही भारत की तरफ इस सकारात्मक कदम की पहल की है। आपको बता दें, सबके अलावा भी भारत के साथ सैन्य भागीदारी मजबूत करने को लेकर अमेरिका ने और कदम उठाए हैं। इसमें भारत को शीर्ष गुप्त अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरण मुहैया कराने के संबंध में दोनों सीनेटर्स ने इजराइल और न्यूजीलैंड की तरह नाटो प्लस देशों की सूची में शामिल करने के लिए संयुक्त रूप से एक अन्य संशोधन भी पेश किया है। इस संशोधन के पास होने के बाद भारत भी नाटो प्लस देशों में शामिल हो जाएगा। कुल मिलाकर अमेरिका ने भारत को अपना खास बनाने की ठान ली है।